कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आए। ये तो बताएगा भाई, बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे बताएंगे वो क्या निर्णय लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसते हुए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ किस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, राजनीतिक पार्टियाँ क्या कुछ करती हुई नजर आएंगे, इस बात की भी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जैसे समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो घोसी में उपचुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर बयान सामने आता है कि वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाना है और उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए वो करने के लिए तैयार है। या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को नकारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात कही जाए तो वो ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हर बार की तरह अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली कभी ना कभी गठबंधन कर ही लेती हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में कई बार आ चुकी हैं और गठजोड़ को कई बार नकार भी चुकी हैं। वही मायावती के बाद अगर बात कही जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और योगी आदित्यनाथ को एक कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अब बहुत हुआ, अब मैं भी संसद में बोलता हुआ दिखाई दूंगा। संसद में जाना और अपनी बातों को रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लोकसभा का चुनाव नगीना सीट से लड़ने के लिए तैयार है। नगीना बिजनौर की वो सीट है जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने चेहरे आजमा चुके हैं और वहाँ से जीत इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मायावती का जिक्र किया जाए तो मायावती खुद बिजनौर की सीट पर चुनाव कई बार लड़ चुकी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और वही सीट पर अब चंद्रशेखर आजाद भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर एक बड़े गठजोड़ के साथ देखे जाएंगे? क्योंकि जब जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन देखा गया था और जंतर मंतर पर कई सवाल पूछे गए थे तो वही चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का ये कहना था कि बहन जी के साथ अगर हमारे भाई जी यानी कि चंद्रशेखर आते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है कि इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती एक साथ आ सकते हैं, गठजोड़ कर सकते हैं, इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठते हैं। इसीधे तौर पर यहाँ पर समर्थकों ने कहा और खुद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मायावती से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मायावती को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, मायावती जिन विचारधाराओं पर चलती है वही विचारधारा हमारी भी दिखाई देती है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर गठबंधन की मजबूती तमाम चंद्रशेखर आजाद और मायावती भी पेश करते हुए दिखाई दे रहे। क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए जरा। बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में दो मसले हुए अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। मुझे किस, मैं सबके साथ न्याय चाहता हूँ, लेकिन न्याय के नाम पे अगर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को अगर सताया जाएगा तो ये इसके खिलाफ फिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। G20 को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है,
मगर G20 के 8वें देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं या देश का जो खस्ता हाल, उसको बैनर के पीछे छिपाना नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने देश में, हम अभी तक दिल्ली को भी सही तरह सवार नहीं पाए जो देश की राजधानी। आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली से आया, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके पीछे गरीबों की झोपड़ियां हैं जिनको छिपाया गया है, उनके पीछे वो जगह है जहाँ देख कर एहसास होता है कि हम जो है अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया के हिसाब से। तो उनको छिपाने से काम चलेगा, उनको बुनियादी काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पे कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई परमिशन देगा कि उन पे कोई बजट की कमी है, सब कुछ है लेकिन नियत नहीं है, क्योंकि गरीब अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो कोई उसे गुलामी नहीं करा पाएगा। देखिए सिद्धार्थ नगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू कर दी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी उत्तर प्रदेश में, वो सिद्धार्थ नगर में आज उसका पहला चरण जो है ना जो उसकी यात्रा का, वो सिद्धार्थ नगर शुरू हो, और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफ़ी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा, जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हमारी यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर विजयी है, तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए अगर आप इस समय अयोध्या में, आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है तो अब सनातन धर्म को लेकर, आप क्या? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, दरोगा भर्ती में आप देखो, उनत्तर शिक्षक भर्ती में आप देखो, सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे, जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में जो घोटाला है उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले हैं इन पर हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पर रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने सुना उसके बाद तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि गठबंधन बहुत जरूरी है और चंद्रशेखर आजाद और मायावती इस गठजोड़ में आ सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।